नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजवाड़े। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। आज था फिनेंस निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और कल होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। तो चलिए कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या व्यू और क्या लॉजिक होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में आज मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज लिखा था, क्योंकि कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं आप लोगों के लिए, तो मैंने मॉर्निंग में एक मैसेज लिखा था कि ये जो रेंज है ना, इस रेंज में सबसे बढ़िया ट्रेड होगा कि आप इसमें ओवरनाइट में स्ट्रडल, स्ट्रेंगल या फिर रेशियो स्प्रेड बना के जा सकते हैं। बहुत पहले मैं इसका एक वीडियो बनाया था रेशियो स्प्रेड का, कि इसमें आप इवनिंग में पोजीशन बनाइए और सुबह सुबह बुक कर लीजिए। तो ऐसे मार्केट में रेशियो स्प्रेड बहुत अच्छा वर्क करता है। और स्ट्रडल स्ट्रेंगल चूँकि क्या होता है दोस्तों, ये मैक्स लॉस के साथ पोजिशन बनते हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में कोई ट्रेड देने से पहले कि लॉस फिक्स होना चाहिए। भले प्रॉफिट कम मिले चलेगा, लेकिन अनलिमिटेड लॉस का ट्रेड मैं प्रीफर नहीं करता हूँ देने के लिए। ओके, हालांकि मैं पोजीशन बना के गया था क्योंकि मेरा व्यू था कि कोई बहुत बड़ा मोमेंट मार्केट में नहीं आएगा, राइट, साइडवेज में ही रहेगा, साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है, तो इसलिए मैंने मैसेज लिखा था। और शायद आप पोजीशन बना के गए होंगे आज, कल भी मैं गया था और आज भी मैं गया हूँ कल के लिए साइडवेज का ही पोजीशन बना के। ठीक है, मुझे लगता है मार्केट सुबह सुबह 50-100 पॉइंट के अंदर ही ओपन होना चाहिए, गेप अप गेप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो मैं ये मैसेज लिखा था, दूसरा मैसेज लिखा था कि आज मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है। तो आज देख रहे हैं कि साइडवेज टू वोलेटाइल ट्रेड करके ही क्लोजिंग दिया हुआ है। देखिए, इसे आप साइडवेज भी समझिए क्योंकि इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो साइडवेज हुआ। वोलेटाइल क्यों दोस्तों, अगर आप कल का चार्ट देखें, ठीक है, आप यहां से देखिए फ्राइडे से। ओके, फ्राइडे में ओपन हुआ, लो के आसपास आया, हाई ब्रेक किया और डे लो के आसपास आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, अगर आप कल का मार्केट देखें, मंडे का ओपन हुआ, हाई ब्रेक किया, यहां पर हमारा पोजीशन भी कट हुआ, फिर लो ब्रेक किया, अगेन हाई किया, फिर लो के आसपास आया, फिर हाई ब्रेक किया और ये डे लो ब्रेक किया, ये वोलेटाइल हुआ। सेम आज भी ओपन हुआ, नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर लो के आसपास आया और फिर डे हाई ब्रेक किया, तो ये वोलेटाइल हुआ, तो ये साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हुआ। अब दोस्तों देखिए, दो तीन दिन से मार्केट साइडवेज है और है मंथली एक्सपायरी। मैं आपको संडे वाले एनालिसिस में बताया था कि देखिए मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन इसका एक कंडीशन होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे रहना चाहिए, बट मार्केट साइडवेज हो गया, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं देख रहा हूँ। ओके, मतलब मेरा व्यू शॉर्ट कवरिंग का नहीं है। ये शॉर्ट कवरिंग कब होगा, जब मार्केट पहले नीचे जाए, ठीक है, तब लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आएगा, वो शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कल कैसे ट्रेड करेंगे इसका दो तीन लॉजिक आप समझिए। पहले तो मैं आपको ले जाता हूँ फिनेंस निफ्टी के चार्ट में। जैसे ट्रेड तो मैं सॉरी वीडियो तो नहीं बना पाया था आप लोगों के लिए, तो मैं मॉर्निंग में कोशिश कर रहा था कि थोड़ा देर वेट करता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रेड दूंगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। देखिए, मेरा व्यू था कि ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, इस रेंज के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि फ्लैट खुला है। और अक्सर मैं एक लॉजिक शेयर करता हूँ कि 9:30 से 9:40 स्पेशली एक्सपायरी के दिन, ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि अगर मार्केट रेंज में ट्रेड किया हुआ है लास्ट डे और फिर से रेंज के आसपास ही ओपन हुआ है, तो समझिए कि साइडवेज ही रहेगा, ज्यादातर टाइम है साइडवेज में ही क्लोजिंग देगा। क्योंकि जो भी ट्रेडर है, जो बड़ा ट्रेडर है, जो बड़ा पैसा लेके आया है, 100-200 करोड़ रुपया लेके आया, और इंतजार नहीं करेगा, सुबह सुबह ही पोजिशन बनाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोजीशन मॉर्निंग में बन जाता है 9:30-9:40 तक, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ एक्सपायरी के दिन, तो ज्यादा संभावना है कि 1-2 बजे तक, जब तक प्रीमियम गिर ना जाए, ठीक है, खत्म ना हो जाए, तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आता है। तो कंप्लीट साइडवेज में क्लोजिंग दिया और लगभग 2500-3000 के आसपास आप लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, 3 बजे के आसपास मैंने बताया था कि इसे बुक करिएगा। ओके, तो लास्ट तक होल्ड कर पाए होंगे और अच्छा प्रॉफिट मिला इसमें, और मुझे लगता है कि 60-70 हजार रुपये लगा के, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा कैपिटल लगता नहीं है एक लॉट बनाने में, और 2000-2500 रुपये मिलता है, तो एज अ ऑप्शन सेलर खुश होना चाहिए। ठीक है, तो कंप्लीट साइडवेज में दोस्तों, अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा बुलिश नहीं है, जब तक इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा ये बेरिश नहीं है। चलिए वापस चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। दोस्तों सबसे पहले पहला व्यू क्या होना चाहिए, अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर ये फ्लैट खुलता है, राइट, अगर ये फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, तो आपको रखना चाहिए व्यू साइडवेज टू वोलेटाइल। ठीक है, क्या रखना चाहिए व्यू साइडवेज टू वोलेटाइल। ओके, अगर ये गैप अप खुलता है, ध्यान रखिए, अगर ये गैप अप खुलता है, मतलब 39,800-7,000 के आसपास अगर गैप अप खुलता है, तो पहला व्यू होना चाहिए शॉर्ट का। क्या पहला व्यू शॉर्ट का,
अगर एक गैप डाउन खुलता है, अगर एक गैप डाउन ओपन होता है राइट, तो भी होना चाहिए बाई का, सिंपल। बट एक कंडीशन कि आपको पहले 15 मिनट वेट जरूर करना है। चलिए अब डिटेल बात करें, मुझे लगता है चीजें एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, एक दो दिन के बाद चैनल का नाम चेंज होगा। ओके, आप लोगों से बहुत सारे सुझाव आए हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं नए नाम के साथ आप लोगों के साथ उपलब्ध रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मजा आएगा, कुछ नई चीजें भी आप लोगों को शेयर करूंगा दोस्तों। और फ्री क्लासेस का नेक्स्ट बैच मई से शुरू होगा, जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल का फॉर्म है, भरिए और ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट बैच लगभग हमने 2500-3000 स्टूडेंट्स के साथ कवर किए हैं, आने वाले दिनों में संख्या बढ़ सकता है या इसी आसपास रह सकता है। और जितने लोग पहले ज्वाइन किए हैं वो दोबारा भी ज्वाइन हो सकते हैं, फिर से 1-2 महीना तक क्लास चलेगा और मजा आएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, पैसा देके सीखने से पहले मैं कहता हूँ एक बार फ्री क्लास जरूर ले लीजिए, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर आप ओवरनाइट में कोई स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाए हैं तो होल्ड करिएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट ही देगा ऐसा लगता है मुझे, बहुत बड़ा मूवमेंट अपसाइड नहीं देगा या डाउनसाइड नहीं देगा। 39,500 के आसपास इसकी एक्सपायरी आना चाहिए। अगर 39,500 के आसपास ही ओपन होता है मॉर्निंग में, तो समझिए कि इसी रेंज में रहेगा, 100-150 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट नीचे ट्रेड करेगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं, बटरफ्लाई टू आयरन कंडोर, जैसे आज मैं दिया था, अभी मैं आपको सेंसिबल में दिखाऊंगा कैसे ट्रेड बना सकते हैं, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है, समझिएगा। तो अगर 39,500 के आसपास ओपन होता है तो हम लोग साइडवेज टू वोलेटाइल का प्लानिंग करेंगे, मार्केट थोड़ा सा इधर ऐसे, थोड़ा लो थोड़ा हाई ऐसे करके ट्रेड कर सकता है, ठीक है। लोअर साइड में 400 तक आ सकता है, अपर साइड में 700 तक मूवमेंट दे सकता है, इसी रेंज में एक्सपायरी क्लोजिंग दे देना चाहिए, एटलीस्ट 2 बजे 2:30 बजे तक इसी रेंज में रहना चाहिए। अगर ये फ्लैट रहता है तो, और 15 मिनट तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करके टाइम स्पेंड करता है तब, ठीक है, मतलब 9:30-9:40 तक अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तब, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो गैप अप खुल के ही नीचे जाएगा। आज जितने लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे, मैं सबको बता रहा था कि अगर इसे नीचे जाना है तो गैप अप खुल के ही नीचे जाएगा, यहां से नीचे नहीं जाएगा। जब यहां पर प्राइस आया था तब मैं बता रहा था यहां से ना कोई आईटी पुट शॉर्ट कर दो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, राइट, क्योंकि इस वे में नीचे नहीं जाएगा, यहां पर खुल के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, या यहां पर ट्रेड करते हुए नीचे नहीं जाएगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर इसे ब्रेक डाउन करना है तो खुलना पड़ेगा ऊपर, और पहले 15 मिनट इसे नेगेटिव कैंडल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल के लो के बिलो, अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनता है, गैप अप खुले 150-200 पॉइंट गैप अप खुलता है, फर्स्ट 15 मिनट आप वेट करिए। अगर रेड कैंडल बनता है, सेम रेड कैंडल के बिलो आप शॉर्ट करिए, और इसमें आईटीएम कॉल सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें 39,400 प्रीफर कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए, या 39,500 प्रीफर कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस, तो हाई का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 40-45 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस आपका लगेगा, ऐसा ट्रेड बना सकते हैं अगर एक गैप अप खुलता है तो, और पहले 15 मिनट रेड बनता है तब, ध्यान से समझिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर एक गैप डाउन खुलता है या खुल के पहले इस लो का ब्रेक डाउन देता है, यहां खुल जाए लो आ जाए या गैप डाउन खुले, आप वेट करिए। अगर एक गैप डाउन खुलता है या खुल के नीचे आता है, ये लो ब्रेक करता है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है और यहां पर साइडवेज हो जाता है इस तरीके से, तो आप प्रीफर करिए 12 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, फिर यहां से ना एक बहुत बढ़िया इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनेगा और मार्केट अगेन 39,800, 40,000 की तरफ शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपायरी है कल, ठीक है। तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग होगा, लेकिन खुल के पहले नीचे आए और यहां पर साइडवेज में ट्रेड करें। ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में शेयर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों दूसरा, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों अगर एक गैप डाउन खुला तो पहले प्रीफर करेंगे बाई करने का, लेकिन पहले 15 मिनट वेट करेंगे। अगर एक गैप डाउन खुला तो हम वेट करेंगे कि कब ये डे हाई ब्रेक कर रहा है, चाहे पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बने, ठीक है, या फिर ग्रीन बने, तो हम वेट करेंगे कि पहले 15 मिनट का हाई का ब्रेकआउट कब हो रहा है, चाहे निफ्टी देखिए या फिर बैंक निफ्टी देखिए, कोई भी, ठीक है, लॉजिक सेम होगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई या डे हाई ब्रेक करने लगता है तो हम लोग लो कैसे डालेंगे और आईटीएम पुट शॉर्ट प्रीफर करेंगे, हेजिंग के साथ ट्रेड बनाएंगे, मैं आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, या जब भी इस टाइप का सेटअप बनेगा दिन में, इसमें हेजिंग के साथ पोजिशन बनाएंगे,
या IITMS में 39,800, ठीक है, क्योंकि यहीं तक मार्केट रिवर्स हो सकता है। 39,800 का आप इसमें IITM पुट शॉर्ट कर सकते हैं, आसपास 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा क्योंकि बहुत डीप IITM होगा। ओके, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ए ट्रेड हम लोग बना सकते हैं। ओके, या फिर इसमें क्या करेंगे, 39,800 का या 40,000 का हम लोग पुट शॉर्ट कर देंगे और जहां मार्केट है ATM के आसपास का बाई कर लेंगे। जैसे हम लोग बुलिश पोजिशन बनाते हैं उस टाइप का पोजिशन इसमें बना सकते हैं। ये ट्रेड भी हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, फिक्स लॉस के साथ ये पोजिशन हम लोग आखिरी तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक समझ गए, एक बार फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो साइड वेज टू वोलेटाइल का हम लोग व्यू रख के पोजिशन बनाएंगे। गैप अप खुलेगा शॉर्ट का प्रीफर करेंगे, गैप डाउन खुलेगा बाई का प्रीफर करेंगे, लेकिन पहले 15 मिनट वेट करेंगे। हो सकता है गैप अप खुले और मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव कर जाए, गैप डाउन खुले और मार्केट कंटिन्यू नीचे चले जाए। ओके, गैप डाउन खुल के नीचे जाएगा, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, नीचे से मैं बाई का प्लान करूंगा। अभी डेली चार्ट लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा कैसे बाई हो सकता है। ठीक है, और गैप अप खुल के ऊपर जाएगा, इसमें बाई बनेगा नहीं, हम लोग बाई अवॉइड कर देंगे, फिर ट्रेड छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे रेंज में रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग अगर मार्केट मूव कर रहा है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज लॉस लेने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। डेली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को देखें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अगर शॉर्ट होना होता तो मार्केट नीचे आ जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने कल भी पोजीशन अपना क्लोज किया क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग लग नहीं रहा था। ओके, तो अगर गलती से मुझे मार्केट 39,000 दिखेगा तो लोअर लेवल से मैं रिकवरी का प्लान करूंगा। अगर 39,000 के आसपास मार्केट मुझे नजर आता है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं करूंगा, ये मेरा प्लानिंग होगा दोस्तों। अब चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ निफ्टी में। देखिए निफ्टी में मैंने आपको संडे के एनालिसिस में भी बताया था कि यहाँ पर ना निफ्टी को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ये 16,800 का भाव आपको दिखाता है या 780 का भाव दिखाता है, 750 का भाव दिखाता है, तो 17,500 का ही पुट मैं शॉर्ट करूंगा। 17,500 तक नहीं जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा पैसा यही देगा 17,500। तो 17,500, 630, 650 ऑलरेडी मैंने इसका मैसेज दिखा है टेलीग्राम चैनल में। ओके, तो 630 के पास 50% क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा, 650 में 50% क्वांटिटी शॉर्ट करूंगा और 50 रुपये का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, तो मतलब 50-60 हज़ार के लॉस के साथ ही मैं पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसमें रिकवरी मिला तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम 150 से 200 पॉइंट का आपको ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन ट्रेड कहाँ करेंगे, 17,500 का पुट इस भाव में मिलेगा तब, और हमें प्राइस से यहाँ पर निफ्टी। ठीक है, तो ये प्लानिंग रहेगा हमारा, राइट। बाकी कोई ट्रेड निफ्टी में तो प्लानिंग नहीं करना चाहिए, निफ्टी ठीक नहीं है, निफ्टी का चार्ट बिल्कुल ठीक नहीं है ट्रेड करने के लिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है बहुत बढ़िया, मैं लोअर लेवल से बाइंग करूंगा, फिर शॉर्ट करने की लॉजिक ही नहीं है, यहां से मार्केट नीचे जाना ही नहीं चाहिए। अगर एक गैप डाउन खुला दोस्तों, तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, छोटा नहीं आएगा, बहुत बड़ा आएगा। कम से कम निफ्टी में 250-300 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ओके, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप एक लॉट भी ट्रेड करेंगे तो 2,500 रिस्क के साथ आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट का प्लानिंग करना चाहिए, ये आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेड हमारा बनना चाहिए कल के दिन पे निफ्टी में। ओके, तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर लॉजिक, कल कैसे हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेंसिबल में, 1 मिनट मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ऑलरेडी लॉग इन है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए सबसे पहले कि अगर बैंक निफ्टी 39,500 के आसपास ओपन होता है तब, देखिए जैसे मैं मैसेज लिखा था मॉर्निंग में और मैं बताया था कि अगर इसमें ओवरनाइट में स्ट्रगल या स्ट्रेंगल लेके जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, 150-200 पॉइंट से ज्यादा गैप अप गैप डाउन होगा ही नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो शायद ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं अभी इसमें लेके गया हूँ ओवरनाइट का 39,500 का ही मैंने शॉर्ट करके गया, सुबह सुबह क्या हो सकता है, 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन होगा तो ये देखिए सुबह सुबह क्या होगा, मतलब इसमें सुबह सुबह 3,000-3,500 का प्रॉफिट, 2,000 तो मिलेगा ना, लगा कितना है 1,50,000 रुपये, तो 2,000 मिल जाएगा, इनफ है 1%। ठीक है, अगर आप इसमें कोई 100-100 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करके चले जाएं, ठीक है, 70-80 का प्रीमियम शॉर्ट करके चले जाएं, इस टाइप का पोजिशन बना के चले जाएं, स्ट्रेंगल पोजिशन बना के चले जाएं, सुबह क्या होगा, इसमें भी आपको 1,000-2,000-1,500 रुपये तो मिल ही जाएगा, तो इनफ है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 150-200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो 200 पॉइंट ऊपर कर दिया, अगर आप 200 पॉइंट मतलब आधा परसेंट ऊपर या नीचे, कोई नुकसान होने ही नहीं मॉर्निंग में, राइट। हाँ थोड़ा IV बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट का साइज कम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, IV तो बढ़ेगा ही, सवाल ही नहीं है। मॉर्निंग में IV कम से कम इसका 10 पॉइंट प्लस हो सकता है, 10 पॉइंट प्लस हो सकता है, तब भी आप लॉस में नहीं जाओगे।
ठीक है, तो इसका आईवी मॉर्निंग में 40 के आसपास ओपन होना चाहिए बैंक निफ्टी का। ओके चलिए, तो हम लोग मॉर्निंग में क्या प्लानिंग करेंगे इसे आप ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए अगर ये 39,500 के आसपास ओपन होता है तो दोनों को सेल कर देंगे, ठीक है, फिर 100 पॉइंट नीचे सेल कर देंगे, 100 पॉइंट ऊपर सेल कर देंगे, फिर हम लोग लोअर साइड में क्या बना देंगे, ये बटरफ्लाई टू आयरन कंडोर हो गया, फिर ऊपर नीचे दो दो लॉट बाई कर लेंगे। सिंपल, 1700 का रिस्क, 5,000 5,500 के आसपास का प्रॉफिट, इतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन 1700 के सामने अगर आपको 2,500 3,000 मिलता है तो क्या बुरा है यार, 1,00,000 रुपया लगना है, खत्म, ये ट्रेड बना देंगे। तो ये लॉजिक के साथ मॉर्निंग में आप ट्रेड बनाइए अगर मार्केट हमारे रेंज में ओपन होता है तब। हाँ, थोड़ा सा इसको और आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कर दें, एक स्ट्राइक ऊपर नीचे चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बाई कर रहे हैं उसको शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, और 100 पॉइंट और ऊपर चले जाइए, इसको दो बाई कर लीजिए, इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका कैपिटल सेम लगेगा, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि लॉस का साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो मैं बोलूंगा कि आप 100-100 का डिफरेंस रखिए, ठीक है, बटरफ्लाई टू आयरन कंडोर ट्रेड बना दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, अगर आप मॉर्निंग में मार्केट 39,500 के आसपास देखते हैं तब, ठीक है, ये ट्रेड बनेगा दोस्तों। और मान लीजिए कि मार्केट अगर बॉटम से ट्रेंडिंग हो रहा है अपर साइड में, तो ये ट्रेड मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। तो फिर मैं प्रीफर करूंगा इसमें 40,000 के आसपास का पुट शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, और इसमें 39,500 का बाई करने के लिए। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड मॉर्निंग में कम से कम 1:3 बना तब, 1:3 नहीं बनेगा तो ट्रेड मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, 1:3 बनाने के लिए भले मुझे डीप आईटीएम शॉर्ट करना पड़े तो मैं डीप आईटीएम शॉर्ट करूंगा। तो इस टाइप का 1:4 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तभी मॉर्निंग में ट्रेड बनाएंगे। और जब भी इस टाइप का सेटअप आएगा दोस्तों मॉर्निंग में, मैं आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।